Hey guys, what's going on? This is Shiva and welcome to my another video. So guys, in this video I will show you how you can create your PayPal account in India so that you can receive international payments easily. So basically, अगर आप online marketer हैं या फिर आप international client के साथ work कर रहे हैं या फिर आप affiliate marketing कर रहे हैं, digital marketing कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको international payment receive करना होता है तो आप पेपल के थ्रू इजीली आप अपना जो भी पेमेंट्स है वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिक्योर और सेफ जो है वे है पेपल से पेमेंट रिसीव करने का। मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपल को, तो इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप जो अपना पेपल अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं और जो भी पेमेंट्स है वो रिसीव कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और नहीं जानते चैनल किस बारे में, तो इस चैनल पर मैं जो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी है कैसे मैं एज़ अफिलिएट मार्केटर अर्निंग कर रहा हूँ वही स्ट्रेटजी मैं शेयर करता हूँ ताकि आप भी इन्हें यूज़ करें और अर्निंग कर सकें। अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाह रहे हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू विल बी गेट नोटिफाई। सो अभी स्टार्ट करते हैं। आपको पहले जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल paypal.com पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आके सर्च करना है paypal.com, ठीक है। तो फिर आपको इस टाइप का जो इंटरफेस है आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको आकर आपको सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लॉगिन और साइन अप। तो हमें बेसिकली हमारा नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट सेंड पेमेंट्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली पेमेंट्स को आप सेंड कर सकते हैं, इसमें रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं आप इंटरनेशनल वेबसाइट से, तो वहाँ पे आप अगर आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो आप पेपल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वे में अगर आप ओनली शॉपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे बिजनेस अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। तो इसमें आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और आप पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं, तो आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पे ऑन अ वेबसाइट वाया ईमेल इनवॉइस और लिंक। तो यहाँ पे अगर आप किसी वेबसाइट पे आप लिंक करना चाह रहे हैं अपने पेपल को, या ओनली ईमेल या जो भी इनवॉइस के थ्रू आप पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, तो मैं ये वाला कर देता हूँ वाया ईमेल इनवॉइसिंग एंड लिंक। तो माय मंथली सेल्स वॉल्यूम इज़, तो यहाँ पे आपको मंथली सेल्स वॉल्यूम आपको सेलेक्ट करना हो कितना पेमेंट आप रिसीव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट करें तो यहाँ पे मोर देन 10 लाख अ मंथ, ठीक है, लेस देन 5 लाख। तो यहाँ पे अपन जो थर्ड ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा माय पेमेंट प्रेफरेंस इज़ लोकल इन अराय, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी यहाँ पे बोथ कर दें आप, ताकि आप जो इंडिया के जो करेंसी है उसमें भी आप रिसीव कर सकें और फॉरेन करेंसीज हैं उसमें भी आप रिसीव कर सकें। तो ये तीनों ऑप्शन आपको ये सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप इसमें अपना जो भी वॉल्यूम है वो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा इनकम रिसीव कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको फिलअप करनी होगी। तो बेसिकली आप यहाँ पे आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और देन यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप्स आपसे पूछ रहा है किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं, या इंडिविजुअल हैं या सोलो ट्रेडर हैं, इसके अलावा यहाँ पे पार्टनरशिप है या कोऑपरेशन है। तो बेसिकली हम इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड, तो यहाँ पे अपन एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो बिजनेस है उसके उसके आपको नेचर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग कर देता हूँ, देख सकते हैं आप कितने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको पर्पस कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे परचेज टूवर्ड ट्रेवल, किस टाइप का आपका जो पर्पस होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सिंपली एक जो ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, तो बेसिकली मैं ऑनलाइन मार्केटर हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरा काम जो है वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का है।
तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना जो पेन नंबर है वो आपको एंटर करना होगा, तो मैं पेन नंबर अपना डाल देता हूँ। ठीक है, सीसी स्टेटमेंट नेम, तो यहाँ पे कोई भी आप कैरेक्टर जो है वो डाल सकते हैं, ताकि जो जब भी कोई आप पेमेंट जो आपका अगर करेगा तो आपका जो अकाउंट क्या मतलब कौन सा नेम आप शो करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं फ्रीलेंसर यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहें तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, जो भी आप देना चाहें। और फिर यहाँ पे आपको अपना जो वेबसाइट का यूआरएल है, तो बेसिकली आपका जो कोई बिजनेस है उसकी कोई वेबसाइट है अगर आपके पास यूआरएल है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और देन यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी होगी, नेम, एड्रेस, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ अपनी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पिन कोड, एड्रेस आपको सभी एंटर करना होगा। देन यहाँ पे आपको अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मिडिल नेम यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं और देन अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बिजनेस अकाउंट है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब आपको जो अपना ईमेल एड्रेस है वो आपको वेरीफाई करना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पहले वेरीफाई कर देता हूँ। तो इसमें अपन यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दो आपको मेल रिसीव होंगे, तो यहाँ पे अपन गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल है वो आपकी वेरीफाई हो चुकी है और देन यहाँ पे आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, तो अकाउंट ओपन होने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, अपना जो अकाउंट है वो लिंक करना होता है, तभी आप जो पेमेंट है वो रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है तो फिर आप पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको जो फर्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट थी ईमेल वेरिफिकेशन वो हमने कर दिया है, अब यहाँ पे लिंक, अब बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे अब अपना जो बैंक का IFC कोड है वो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना बैंक का IFC कोड आप पे एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो अपना बैंक अकाउंट है नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिंक बैंक अकाउंट, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली जो आपने अकाउंट एंटर किया है, जो भी अकाउंट डिटेल्स आपने फिल किए हैं, पेपल की तरफ से आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। ठीक है, दो अमाउंट आपको डिपॉजिट होंगे, रिसीव होंगे आपके बैंक अकाउंट में, वो 1 रुपया, 1 रुपये 25 पैसे, ऐसे 2 रुपये 25 पैसे, ऐसा कुछ अमाउंट वो आपको सेंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर आपको उसे वेरीफाई करना होता है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे वेरीफिकेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। जितना आपको रिसीव हुआ, अगर 2 रुपये 19 पैसे हुआ तो 2 रुपये 19 पैसे ही आपको एंटर करना होगा, अगर 3 रुपये 40 पैसे हुआ तो 3 रुपये 40 पैसे आपको एंटर करना होगा। ठीक है, अगर आप सही तरह से वेरीफाई करा देते हैं तो फिर आपका जो अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा और देन वहाँ से फिर आप जो भी पेमेंट आप रिसीव करना चाह रहे हैं इजीली आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपलोड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपके जो भी आपके प्रूफ आइडेंटिटी होते हैं, वोटर ID या पैन कार्ड, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अग्री एंड स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पैन कार्ड आपको अपलोड करना होगा,
मैं यहाँ पे इस पे पैन कार्ड अपना अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल आपको क्रिएट करनी होगी। देन पीडीएफ फाइल के मतलब उसमें ही आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी है, इसके अलावा पीएनजी भी है, जीआईएफ भी है, इसके अलावा जेपीईजी। ठीक है, तो जो फॉर्मेट होते हैं वो आप इस इन फॉर्मेट्स में आप जो है फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपको यहाँ पे अपना पेन नंबर एंटर करना होगा, तो मैं अपना पेन नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको टाइम लगता है, 3 से 4 वर्किंग डेज का आपको वेट करना होता है। जैसे ही सब कुछ वेरीफाई हो जाता है फिर आप जो आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देते हैं वो, फिर आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे वो आपको डालना होगा। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की जो कॉपी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। एक सेकंड में यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस की पीडीएफ फाइल है, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। और फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जिस नेम से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसी के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, अदरवाइज पेपल जब भी वेरीफाई करेगा तो वो आपके अकाउंट को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट डालनी है, ठीक है, तब भी आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो पाएगा। अब यहाँ पे आपको बैंक प्रूफ में आपको क्या डालना है, पासबुक की जो फोटो कॉपी होती है वो आप डाल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट आपको बेसिकली जो बैंक का प्रूफ होता है बैंक प्रूफ के लिए वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट अपने। अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक तो आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी होगी, इसके अलावा एक एड्रेस, और फिर आपको प्रूफ करना होगा जो अपना बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप सब कुछ हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, और फिर यहाँ पे आप वी विल गेट बैक टू यू विद इन 2 to 3 business days। तो बेसिकली 2 से 3 business days का आपको वेट करना होगा, सब कुछ वो वेरीफाई कर देंगे। देन फिर आपके इसी टाइम पीरियड में आपका जो अमाउंट रिसीव होगा आपके अकाउंट में उसको भी आपको वेरीफाई करना होगा, वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट आपको एंटर करना होगा, तभी आपका जो अकाउंट है वो सेटअप हो पाएगा, कंप्लीट एक्टिवेट हो पाएगा, फिर इजीली उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका हमारा जो अकाउंट है हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी प्रोसेस होगा वो पेपल वाले करेंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी अमाउंट आप रिसीव करें, आपको एंट्री करवा लें या फिर आप जो भी स्टेटमेंट निकलवा के आप चेक कर लें कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, वही एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और फिर जो भी आप पेमेंट रिसीव करना चाहें कहीं से भी आप रिसीव कर सकते हैं, जिस जिस कंट्रीज में पेपल वर्क करता है वहाँ से आप इजीली पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, यही था प्रोसेस पूरा, मतलब पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप और किसी अकाउंट को आप ओपन करना चाह रहे हैं, इसके अलावा पेयोनीर होता है, वो भी एक इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने का एक जो टूल्स है, पेपल का अल्टरनेटिव है, अगर उस पर आप वीडियो चाह रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए, मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।